रावण के बारे में हर कोई जानता है, वह राक्षस वंश का था और उसके द्वारा की गई गलतियों के कारण हर साल दशहरे के दिन रावण का दहन भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण का नाम दशानन कैसे पड़ा? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे राक्षस राज रावण की। महान विद्वान और पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त भी था। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, रावण ने सोचा क्यों ना अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए। यह विचार कर वह तपस्या में लीन हो गया। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पण कर दिया। इसके बाद उसका सिर फिर से जुड़ गया। इसके बाद उसने फिर से अपना सिर काट दिया, लेकिन उसका सिर फिर से जुड़ गया। इस प्रकार एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर पुनः जुड़ जाता। रावण की इस तपस्या को देखकर अब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान के साथ उसे 10 सिर भी दे दिए। इस तरह रावण का नाम दशानन पड़ा। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ अन्य कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वह सिर्फ 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। वहीं यह भी माना जाता है कि रावण 6 दर्शन 4 वेदों को जानने वाला था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। शायद इसी कारण से उसे दशानन भी कहा जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।